जनन कैसे करते हैं इसके बारे में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें हम जानेंगे जनन के बारे में, यानी ऑफस्प्रिंग का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, जब जनन की प्रक्रिया होती है, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो मानव हो, तो उन सब में क्या होता है, अपने ही जैसे जीव या अपनी जैसे जो है जंतुओं को उत्पन्न करते हैं। जो मनुष्य है उसमें हमने कई इसके जो है तंत्रों के बारे में पढ़ा है। बातचीत क्यों हो रही है? पोषण के लिए, श्वसन के लिए और सृजन के लिए, सबके लिए मनुष्यों में अलग अलग जो है वो तंत्र होता है। ठीक है, इस सबको हम डिटेल से जो है जयप्रकरण चैप्टर में पढ़ चुके हैं किस तरीके से इनकी गति होती है। तो यहाँ पर देखिए, जो जनन की प्रक्रिया होती है, ये अलग अलग जो स्पीसीज हैं, जो जानवर जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे जो है अपने जैसे दूसरे जीवों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो वही क्या है आपका जनन। तो यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, जैसे आम का अगर आप लिए हैं फल और उसका बीज बोया है, तो आम ही होगा, यहाँ पर जामुन आपको नहीं मिल जाएगा। ये भी आपने देखा होगा, मतलब जो जैसा होगा वो उससे उसके बच्चे भी उसी तरह के होंगे, चाहे वो पौधे हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो जंतु जानवर हो। ना कुत्ता है तो उसका बच्चा जो होगा वो कुत्ता ही होगा ना, मतलब ये नहीं कि गाय और भैंस इस टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सेल होती है उसमें एक केंद्रक होता है, और उसमें जो है डीएनए होता है जो कि निर्धारित करता है, जिसको क्या कहा जाता है, डीएनए जो होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, जो निर्धारित करते हैं कि जो आपका जो पैदा हो रहा है वो उसमें क्या क्या जो है वो गुण होंगे, क्या क्या भिन्नताएं होंगे। तो अनुवांशिक गुण जो है वो उसमें उससे जो है दूसरे में चले जाते हैं डीएनए के माध्यम से। जैसे अगर हम बात करें एकल जीव की, जो जनक हाइड्रा है उसमें जो पैदा होगा वो क्या होगा, उसका संतति हाइड्रा जो है वो पैदा होगा। ठीक है, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, केंद्रक होता है और उसमें जो है उस गुणसूत्र होते हैं, और वो गुणसूत्रों के माध्यम से जो है वो दूसरे में ट्रांसफर होते हैं और उसमें जो है वो गुण आते हैं। अगर हम बात करें कोशिका के विभाजन की, तो यहाँ पर अमीबा है, उसका जो डीएनए दिया है वो अमीबा से देखिए, इसमें द्विखंडन विधि द्वारा होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो केंद्रक जो है दो भागों में विभाजित होगा, और उसके दो अलग अलग केंद्रक हो जाएंगे, इसमें भी डीएनए होगा, इसमें भी डीएनए होगा, फिर धीरे धीरे करके जो है ये अलग हो जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो डीएनए की प्रतिकृति जो है वो निर्माण हो जाएगी, दो अलग अलग जो है वो बन जाएंगे आपको उसके जैसे अमीबा के जैसे एक कोशी। तो जैव रासायनिक क्रियाएं जो है जो ये यथार्थता से संपादित नहीं होती है। जैसे अगर बात करें हम डीएनए जो है, डीएनए अब यहाँ पर इसमें भी भिन्नता कुछ ना कुछ होती है। तो देखिए अलग इसमें डीएनए है, तो ये भिन्न भिन्न दो अलग अलग डीएनए आपस में मिलेंगे, तो इसकी भिन्नता भी जो नया कुछ बन रहा है इसमें कुछ उनकी विभिन्नता जो है वो शामिल होगी, इसके कारण जो है वो सब चीज़ें एक जैसी नहीं दिखाई देती हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें कि आपने ये तो पता है कि आपको कि एक जैसे जीव जो है वो दूसरा उत्पन्न कर रहा है, चाहे मनुष्य हो चाहे पौधे हो, चाहे ये आपको पता है कि अगर मनुष्य है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा वो मनुष्य के जैसा ही होगा, उसकी कुछ आकृति बनावट आकार वो सब देखते हैं। अगर जानवर है तो उसको आपको दिखाई देगा कि हाँ ये कुत्ते के जैसा ही दिख रहा है, मगर इसके बाद भी आपको उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आप लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं कि सब एक जैसे हैं, सब में जैसे अगर हम बात करें ये और ये दोनों क्या है आपस में एक जैसे दिख रहे हैं क्या? बिल्कुल है, तो हाथ ना पाँव ना वो सब चीज़ें तो है, मगर फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो विभिन्नता है। वो विभिन्नता आती कहाँ से है? तो वो विभिन्नता क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं डीएनए जो होता है उससे जो गुणसूत्र बने हुए हैं जब वो ट्रांसफर होके आते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन का जो है मेन काम रहता है, तो प्रोटीन जो रहता है, जो नया प्रोटीन बनता है संश्लेषित होता है, उसमें वो कुछ गुण अलग सब में अलग अलग टाइप का बनता है। तो जो कुछ उसकी भिन्नता के कारण, प्रोटीन संश्लेषण की के कारण, अलग अलग प्रोटीन जाने के कारण जो है उसमें कुछ ना कुछ जो है वो उसकी बनावट में थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे। आँख का कलर हो गया, नाक का शेप हो गया, मुंह का शेप हो गया, कान के शेप हो गए ना, ये सब थोड़ी हाथ पांव की बनावट, लंबाई, उंगलियां लंबी, किसी की पतली होंगी, किसी के नाखून बड़े होंगे, तो इस तरीके से जो छोटी छोटी सी जो विभिन्नताएँ आती हैं वो इसके कारण आती है। अगर देखा जाए तो सेम जो मेन गुण होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं, चाहे वो जंतुओं की बात करें हम, चाहे पौधों की बात करें, चाहे हम किसी भी चीज़ की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं कि अब इससे होगा क्या फ़ायदा, क्या होता है इससे, उससे ये फ़ायदा होता है, जैसे कोई भी स्पीसीज है, कोई भी जैसे मान लीजिए है, तो जब उसमें जब
जनन होता है, जनन की प्रक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए अगर ये है अधिक ठंड में जीव, कोई मान लीजिए जीवाणु है, ठीक, कोई जीवाणु जो है वो अधिक ठंड में जो है जीवित नहीं रह सकता है, ऐसा मौसम आ रहा है कि वो अधिक ठंड में जीवित नहीं रह सकता है, तो जब उसमें से जब उसमें डीएनए का मिश्रण होगा उससे जो है दूसरे जीव की उत्पत्ति होगी या दूसरा जीवाणु बनेगा या दूसरा जो है मनुष्य बनेगा, तो उसमें कुछ ऐसे अनुकूलन आ जाएंगे जब इसका जो है जनन होगा, तो कुछ ऐसे जो बनेंगे कुछ ऐसे आएंगे उसमें जो क्या होगा कि ठंड में जो है जीवित रह सकेंगे और कुछ ऐसे रहेंगे जो ठंड में जीवित नहीं रह सकेंगे। जब देव आपने संचरण पढ़ा होगा पौधों में, जैसे पढ़ा था ना बड़े पौधे लंबे पौधे, उसी तरीके से मनुष्यों में और जानवरों में भी होता है। तो कुछ ऐसे पूर्वजों से या पुराने जो है चीज़ों से जो पूर्वज हैं उनसे आएंगे उसमें धीरे धीरे करके कि उसमें कुछ ऐसे गुण भी आ जाएंगे जैसे कि जो ठंड में जीवित नहीं रह सकते हैं और कुछ ठंड में ऐसे रहेंगे जो जीवित रह सकते हैं। जैसे अब ये वाले आपको दिख रहे ठंड में जीवित रह सकते हैं, ठीक है, अब इतने सारे उसके बच्चे बने, अब उसमें से कुछ ऐसे हैं कि ठंड में जीवित नहीं रह सकते, बाकी नॉर्मल तो जीवित रहेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा ठंडी पड़ गई एकदम माइनस में टेम्परेचर जाने लग रहा है तो मर जाएंगे जीवाणु, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे भी हो जाएंगे जो जीवित रह सकते हैं। तो इसके होने से फ़ायदा क्या होगा, अब ठंड पड़ी ये सब तो मर गया, लेकिन ये जो जीवित रह गए फिर ये नई संतति को उत्पन्न करेंगे जिससे वो स्पीसीज या वो जो है जाति जो है पूर्णतः नष्ट नहीं हो पाएगी अगली पीढ़ी, मतलब वो कई सालों तक आपको दिखाई देगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे वो स्पीसीज जो है वो अनुकूलन उसमें नहीं आएगा और वो नष्ट हो जाएगी। समझ में आ रहा सबको? तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इस तरीके से गुण जो है वो दूसरे जीवों में या मनुष्यों में या पौधों में ट्रांसफर होते हैं, उसमें वैसा अनुकूलन धीरे धीरे करके आ जाता है और वो नए जो है उसमें जीवित रहते हैं। तो जनन में आने वाली विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, तभी उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आती जाएंगी और वही उसका मेन आधार है, तभी धीरे धीरे करके जो है लोग आगे बढ़ते जाएंगे और उसमें उस वातावरण के प्रति अनुकूलन होता जाएगा। अब जनन की विधियाँ अगर हम बात करें तो दो तरीके के जनन होते हैं, एक लैंगिक जनन होता है एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन जो अगर हम सबसे पहले बात करें अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन होता क्या है, तो जिसमें एक ही जो है जीव रहता है और उससे दूसरी नई पीढ़ी या दूसरे उसके बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, तो इसमें अपने आप ही खंडन हो जाएगा और संतति उसकी यानी बच्चे या उसकी दूसरी संतान पैदा हो जाएगी। और जैसे अगर ये गन्ना हो गया, गुलाब है, आलू है, इनकी कटिंग वगैरह करके जो है हम उसको उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है एकल जीव वाले जिसमें भाग ले रहे हैं। अब हम बात करें लैंगिक जनन की, तो इसमें क्या होता है, दो जीव इसमें भाग लेते हैं, एक नर रहेगा एक मादा रहेगा, चाहे मानव हो चाहे वो पुष्पीय पौधे हो चाहे वो जंतु हो, तो इसमें दो जीव जिसमें भाग लेते हैं जनन की ऐसी विधि क्या कहलाती है, लैंगिक जनन कहलाती है। नर हो गया और मादा, दो जो है इसमें जीव भाग लेंगे, इसमें जो है डीएनए रहेंगे सबके अलग अलग रहेंगे और नर में भी और मादा में भी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब इनका डीएनए जब आपस में मिलेगा तो ये चार डीएनए इसके, चार डीएनए इसके, तो अगर ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा तो संख्या धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और नियंत्रित कोशिका हो जाएगी। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि इसमें जो गुणसूत्र हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अर्ध उसका विभाजन होता है जिसको क्या कहा जाता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये यहाँ पर गुणसूत्र की क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। अगर यहाँ चार है तो यहाँ कितने रहेंगे, दो, यहाँ पर चार है यहाँ दो है, यहाँ नर युग्मक हो गया, ये मादा की और किसने बदल जाती है युग्मक में, ठीक है। तो यहाँ पे नर युग्मक मादा युग्मक हो गया, ये जो है निषेचन की अब क्रिया होगी, निषेचन होगा इनमें, और ये निषेचन की अभिक्रिया करके जो है वो आपस में निषेचन होने के बाद जो है वो युग्मनज बनेगा और उसके बाद जो है वो जनन जो है वो दूसरा जीव जो है वो उत्पन्न होगा। इसमें जो है जो अलैंगिक जनन समझ में आ गया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, इसमें डीएनए जो है ये इसमें आपस में ही एक ही जीव भाग लेता है, अपने आप ही जो है डिवाइड होकर के अलग अलग डीएनए, दो केंद्र जो है वो केंद्र जो है उससे अलग अलग जो है दो डीएनए के बदल जाते हैं, दोनों के पास अलग अलग केंद्र हो जाएगा, संतति वहीं पर बन जाएगा, इसमें युग्मनज बनता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और जनन होता है। इस प्रकार से जनन की विधियाँ दो हो गई हमने पढ़ी, लैंगिक जनन, ठीक है, और
मेन यही क्वेश्चन आता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं।